हेलो एवरीवन। सो एक साल पहले ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अपलोड किया था इस चैनल पे, और ये जो वीडियो था, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे बैकग्राउंड में प्ले करोगे, मतलब स्क्रीन ऑफ करके भी कैसे आप अपने यूट्यूब का जो वीडियो है उसको आप सुनोगे, उसको प्ले करके रख सकते हो, मतलब स्क्रीन ऑफ कर दोगे फिर भी आपका जो यूट्यूब का वीडियो है वो चलते ही रहेगा। लेकिन वो जो ट्रिक था, वो ट्रिक यूज करके कुछ लोगों के फोन में काम नहीं कर रहा था, लेकिन 90% लोगों के फोन में काम कर रहा था और 10% लोगों के फोन में काम नहीं कर रहा था। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे बैकग्राउंड में प्ले करोगे, और जिस प्रॉब्लम की वजह से वहां पर काम नहीं कर रहा था उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखोगे लास्ट तक तो आप भी प्ले कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो को एज ए बैकग्राउंड, मतलब आप अपने स्क्रीन ऑफ करके भी आप सुन सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो को। सो कौन सा ट्रिक है और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो को पसंद आए तो जरूर वीडियो देना एक लाइक, और इस चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ट्रिक 100% जेन्युइन और सेफ और सिक्योर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे। तो बहुत सारे ऐसा मतलब एप्लीकेशन होता है जिसमें आप अगर यूज करोगे तो आपका प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं, आपको जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को यूज करके आप अपने यूट्यूब का जो वीडियो है उसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, सुन सकते हो। सो उसके लिए चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। सो एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा। थ्री डॉट पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे आपको कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है यूट्यूब, ठीक है। आप यूट्यूब लिखोगे ऐसे यूट्यूब आ जाएगा, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब है। तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो ऐसा कुछ आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले करके भी दिखाऊंगा और स्क्रीन को ऑफ करके भी उसको दिखाऊंगा, जो स्क्रीन ऑफ करके भी आपका जो गाना है, जो म्यूजिक है वो चलते रहेगा। तो यहाँ पर आप जो भी वीडियो को बैकग्राउंड में सुनना चाहते हो या जो भी सॉन्ग को सुनना चाहते हो उस सॉन्ग को आपको पहले ओपन कर लेना है ऐसे। ये जो म्यूजिक है वो यहाँ पर प्ले हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली आपका जो फोन है उसका जो मतलब बीच का जो बटन होता है, जो मिनिमाइज का जो बटन होता है या जो होम का बटन होता है, उसको आपको ऐसे होम पे चले जाए। तो होम पे ऐसे होम पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो नोटिफिकेशन है उसको आपको ऐसे नीचे लेके आना है। नीचे ले आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार आ जाएगा, ठीक है, म्यूजिक का जैसे बार होता है वैसे बार आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएगा आपने जो सॉन्ग प्ले किया था यूट्यूब पे वो सॉन्ग यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉज का प्ले का बटन आपको देखने के मिल जाएगा, तो यहाँ पर पॉज है तो यहाँ पर प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद आपका जो सॉन्ग है वो फिर से प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम को ज्यादा करके मैं सुनाता हूँ। ऐसे मेरा जो फोन है वो होम स्क्रीन पे है, मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। मेरे फोन में कुछ भी गेम खेल सकते हो, या मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, या मैं फेसबुक कर सकते हो, और जो यूट्यूब का जो वीडियो है वो चलते रहेगा। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन को ऑफ करके भी दिखाता हूँ कि स्क्रीन ऑफ करके भी ये जो सॉन्ग है वो चलते रहेगा। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी क्योंकि मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा। तो मैं आप लोगों को साउंड को पहले वॉल्यूम को इंक्रीज करके मैं सुनाता हूँ, ठीक है, फिर मैं ऑफ करता हूँ स्क्रीन को। भी चल रहा है और आप देख सकते हो लॉक पे यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो ऐसे आप अपने यूट्यूब का जो वीडियो है उसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करके भी आप प्ले कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि एक ट्रिक को यूज करने के बाद भी बहुत सारे के फोन में एक ट्रिक काम नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करता है उसके दो वजह होते हैं। एक कि उसका जो नोटिफिकेशन है वहां पर वो जो सॉन्ग है जो प्ले करते हैं क्रोम ब्राउज़र में जाके यूट्यूब में जो मतलब प्ले करते हैं वो शो नहीं होता है, मतलब नोटिफिकेशन में। तो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशन है या यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है क्रोम ब्राउज़र का,
उसको आप डिसेबल कर देते हो, उसको ऑफ करके रखते हो, इसीलिए आपका रिसोर्स में नहीं आता है। तो वो कैसे करोगे इनेबल, अगर ऑफ है आपका उसको कैसे ऑन करोगे, उसके लिए आपको कॉम ब्राउजर में जाना पड़ेगा। कॉम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको ओके करना है, फिर यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेटिंग्स पे आपको ओके करना है। सेटिंग्स पे ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन लिखते हैं, तो नोटिफिकेशन पे आपको ओके करना है, तो यहाँ पर आपका ए ऑफ होता है, इसीलिए वहाँ पर शो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपका जो म्यूजिक है वो नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा मिनिमाइज करने के बाद। और दो नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आप जब क्रोम ब्राउज़र में जाते हो फिर यूट्यूब को ओपन करते हो, तो वहां पर क्या होता है ऑटोमेटिक आपका जो यूट्यूब का ऐप है वो ओपन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पे आपको कर लेना है आपका क्रोम ब्राउज़र को। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर भी वो प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, सेटिंग्स पे जाके एप्स पे जाके आपको यूट्यूब पे यहाँ से ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट एज ए डिफॉल्ट लिखा है तो ओपन सपोर्टेड लिंक लिखा है, तो यहाँ पर इन दिस ऐप लिखा है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है, ठीक है। सो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में जो यूट्यूब है, जो डेस्कटॉप साइट में यूट्यूब ओपन होता है वैसे ओपन होगा, आपका जो ऐप है वो ओपन नहीं होगा। सो ऐसे आपको करना है। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब होने के बाद साइड में जो बेल आएगा उसे प्रेस करके और सूचनाओं को भी आपको ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो मिलते किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।